अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आपका रोज़ा भी अच्छा जा रहा है। यहाँ हम आलू की सैंडविच बनाने जा रहे हैं। यहाँ मैंने लिया 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, जो हल्की सी फ्राई करना है हमें हल्के आँच पे इसको फ्राई करना है। फिर हमें इसमें आलू डालना है। इसमें आलू को हमको लाइट ब्राउन कलर का करना है, जो दिखने में अच्छा लगे। ये बहुत टेस्टी बना था। यहाँ मैंने लिया ब्रेड पे हमने चटनी लगाई थी। चटनी के बाद हमें इसमें आलू ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो फ्राई किया था और फ्राई पैन में अच्छे से आलू को लगाने के बाद हमें इस पर टमाटो और खीरा सब मिला दिए थे। टमाटो लगाया था उसके बाद हमने इस पर मेरी मम्मी भी मेरी हेल्प करती रहती हैं, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मैंने मेयोनीज लगाया था। मेयोनीज आप ब्रेड में भी लगा सकते हैं, इसको कभी लगा सकते हैं, तो मेरे ऊपर लग नहीं रहा था, तो हमने बाद में हमने ब्रेड में भी लगा दिया। ब्रेड में लगाने से बहुत अच्छा टैप करने के बाद मैंने फ्राई पैन में बटर लिया। बटर को पूरे फ्राई पैन में लगाने के बाद जब अच्छे से लग गया तो उसको हम सैंडविच को उसमें रख दिया। पर धीमी आंच पे हमें करना, अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए धीमी आंच पे करना है कि अच्छे से अंदर अंदर तक पक जाए। वैसे आलू तो पका ही हुआ है, बट पक ही होता है, ब्रेड अच्छे से हो जाए। अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। हमने इसको डेकोरेशन के लिए हमें तिकोना काट दिया था।